हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियसर क्वेश्चन एप्टीट्यूड के साथ, ठीक है। तो हर वीडियो में हम पांच क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्वे 300 रिस्पोंडेंट्स वर आस्ड वेदर दे ओन ए व्हीकल और नॉट, ठीक है। 300 लोगों से पूछा कि आपको आपके पास व्हीकल है या नहीं है। इफ यस दे वर फर्दर आस्ड टू मेंशन वेदर दे ओन कार और स्कूटर और बोथ, ठीक है। अगर है तो कार है या स्कूटर है या दोनों है। टोटल रिस्पॉन्सेज आर इन टेबुलर टेबुलेटेड बिलो, ठीक है। इस टेबल में हमने दिए हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स डू नॉट ऑन ए स्कूटर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि या तो व्हीकल है, तो व्हीकल है तो कार कितने लोगों के पास है, मैन जो है 40 मैन के पास कार है, 34 वुमेन के पास कार है। स्कूटर किसके पास है, 30 मैन के पास कार है, 20 वुमेन के पास कार है। बोथ किसके पास है, 60 46, और जिनके पास कुछ नहीं है वो कितने लोग हैं, 20 और 50। अब क्वेश्चन में हमें मैन वुमेन कुछ नहीं पूछा हुआ, हमें बस नॉर्मल पूछा हुआ कितने लोगों के पास नहीं है। तो हम बस देख लेते हैं टोटल। तो टोटल कितने लोगों के पास कार है, 74। टोटल कितने लोगों के पास स्कूटर है, 50। टोटल किन के पास दोनों है, तो 106। किन के पास कुछ नहीं है, 70। अब बोल रहे हैं कितने परसेंट लोगों के पास स्कूटर नहीं है। अब जिनके पास कार है, एक तो इनके पास स्कूटर नहीं है, इनके पास स्कूटर है, स्कूटर लिखा हुआ है। जिनके पास बोथ है उनके पास भी स्कूटर है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास स्कूटर नहीं है। तो टोटल लोग देखो 300 आ रहा है इसका आंसर, टोटल 300 है ये लोग। कितने लोगों के पास स्कूटर नहीं है, 74 प्लस 70 यानी कि 144। तो ये कितने परसेंट हो गए, 144 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 8, 48%, ठीक है। 72 क्वेश्चन है, व्हेन ए पॉइंट इनसाइड ए टेट्राहेड्रॉन इज सॉलिड विद ए 4 ट्रायंगुलर फेस इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस टू द कॉर्नर, हाउ मेनी न्यू इंटरनल प्लेन्स आर क्रिएटेड। देखो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि इसका जो बेस है ट्रायंगुलर बेस होता है, देखो उसके ऊपर हमारा एक टेंट सा बना हुआ है ना। तो देखो क्या है, सॉलिड विद 4 ट्रायंगुलर सरफेस, 4 ट्रायंगुलर सरफेस हो गया ना, एक तो ये वाला, एक फिर ऊपर ये तीन सरफेस, 2 3 और एक वाला 4 वाला, ठीक है, 4 सरफेस हो गए। अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट अंदर वो किससे कनेक्ट करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन से विद कॉर्नर। तो सपोज करो कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो सारे कॉर्नर से मैंने पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 4 कॉर्नर हो गए ना टोटल, अब बोल रहे कितने प्लेन बने अंदर, ठीक है, ये जो हमने लाइंस बनाई हैं। अब ये देखो प्लेन, देखो एक तो ये वाला प्लेन बनेगा अंदर, ये अंदर अंदर है, ठीक है, सॉलिड के अंदर एक ये एक प्लेन बना ना, एक ये प्लेन बन गया, 2 एक ये वाला, 3 एक ये वाला, 4 एक ये वाला, 5 और एक ये वाला, 6। टोटल कितने बने, 6 प्लेन बन गए। ये सारे प्लेन कैसे बने, हर जो अंदर 4 लाइन बनी हुई है इनमें से 2 लाइन जो है, जैसे ये लाइन हर जो टेट्राहेड्रॉन का एज है उसके साथ एक प्लेन बना रही है, एक इस एज के साथ बना, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, जितने एज उतने हमारे प्लेन बन गए, ठीक है। 73 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198, 2 और 198 के बीच में कितने भी 10 के मल्टीपल है उनका एवरेज। तो 2 के बाद 10 का मल्टीपल कौन है, 10 ही है, फिर है 20, ठीक है, फिर है 30, अब 2 कितना तक होएगा, 190, और ये कितने नंबर बन रहे हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 19 नंबर्स हैं,
ठीक है, अब इनका सम कितना आएगा? अगर मैं 10 कॉमन निकाल लो, पहले 10 कॉमन निकाल लूंगा, 1 + 2 + 3 up to 19 डिवाइडेड बाय 19 और 10 by 19। अब फर्स्ट n नंबर्स का सम क्या होता है 1 से लेकर 19 तक, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 कैंसिल, ये 10 से कैंसिल, या जाएगा 100। ठीक है, 100 क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो क्या ये भी वाई के इक्वल ही होगा, है ना? क्या फर्क पड़ता है इससे, अगर मैं एक 12 अलग कर दूं तो क्या मेरा ये, इसको मैं 12 प्लस वाई लिख सकता हूँ? ठीक है, एक ही बात है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट बना लो, y माइनस 4 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 और माइनस 3। ठीक है, माइनस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट, अगर मैं ओनली रूट 12 को ही, रूट 12 तो पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव 3, तो 3 से ऊपर ही आएगा सम इसका, तो पॉजिटिव आएगा और 4 आएगा। ठीक है, 75th क्वेश्चन है, x इज रियल एंड मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो क्या पॉसिबल वैल्यूज है? अब देखो दो चीजें हैं, मोड को पहले तो मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, कि इसका जो मोड है, इसका जो सम आएगा वो पॉजिटिव 11 आएगा, मतलब x स्क्वायर जो होगा 2x प्लस 3 जो है वो 11, पॉजिटिव 11 के इक्वल है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसके रूट बन जाएंगे माइनस 4 x प्लस 2। ठीक है, ये बनेगा, यस, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2 और 4। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो मोड के अंदर वाली टर्म है वो माइनस 11 भी हो सकती है, तो x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 11, x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहां से कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, तो यहां पे रियल वैल्यूज नहीं आएंगी x की। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो यही सही है, x की वैल्यू ये होंगी माइनस 2 और 4। तो हमसे पूछा कि मोड ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो मोड ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होगी, पहले माइनस 2 ले लेता हूं, तो माइनस टू का क्यूब आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ माइनस 2, तो क्या है, मोड है, तो आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2, आ जाएगा 8 4 12 2 14। ठीक है, पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मोड है और 14 आ गया। एंड फिर हमें देखना है x की वैल्यू 4, तो मोड ऑफ माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x, तो 4 है तो माइनस 64 है ना, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 68 प्लस 16, तो आ जाएगा मोड ऑफ माइनस 52। ठीक है, मोड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कर देगा 52। ठीक है, तो आ जाएगा डी 14 और 52। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो वीडियो के नीचे, एंड वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।